भाजपा भगाओ देश बचाओ नारे के साथ भाकपा माले के द्वारा सम्मेलन का आयोजन वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें वक्ताओं ने केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ आवाज उठाया। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार गरीबों का दोहन करना छोड़ दे। कॉमरेड राम नरेश राम के शहादत के 8वीं वर्षगांठ पर कॉमरेड राम नरेश राम से के नाम से भोजपुर के ही नहीं बल्कि देश के मजदूर किसान परिचित हैं। उनको पर्चे देने की हमें जरूरत नहीं। सभा ने यह बात रखा कि भाजपा भगाओ किसान बचाओ, ग्रामीण गरीबों के लिए, देश के तमाम तबकों के लिए भाजपा एक खतरनाक चीज बन गया और उस खतरनाक चीज को जब तक अपने आंखों के सामने से नहीं हटाया जाए तब तक आप नहीं बच सकते, किसान नहीं बच सकते, मजदूर नहीं बच सकते। अभी आप देख रहे हैं हमारे साथी खर्च पड़ता है और किसान के लिए जो सरकार ने मूल्य घोषित किया है वो 1760 रुपये और कह रहा है कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। ये दोगुनी हुआ कि आमदनी से खर्च से उसे कम हो गया। किसान के लगने वाले तमाम चीजों पर खर्च और कीमत लगा के बाहर पैदा किया और फेंक रहा है। आज देश की किसान हिन्दुस्तान में अभी नहीं है, पहले ऐसा जेल बनाओ और तब हमारे ये जो है मुक्केल वहां जाएंगे आपके वहां केस सामना करने के लिए। जेल तो उनके लिए नहीं बना है, जेल तो हमारे लिए बना है। हमारे नीतीश कुमार जी जब जो मन करेगा, पहले मन किया कि दारू पिलाओ, सबको पिलाओ, पंचायतों में पूरे दारू की दुकान खोल दो, गांव गांव तक दारू की दुकान खोल करके शराब बेच करके शराब के पूरे नदी बहा करके बिहार को बर्बाद करने का काम किया। और जब हल्ला हुआ कि शराब बंद करो तो हम देख रहे हैं कि शराब तो नहीं बंद हुआ लेकिन जेलों में पूरे बिहार के कोई बताते हैं कि 1 लाख से ऊपर लोगों पर केस है। 20,000 इस बिहार के सबसे गरीब लोग जेल में बंद है शराबबंदी के नाम पर। तो हमारे लिए तो हर सवाल पर जेल है, लाठी है, गोली है, लेकिन ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए जेल नहीं है, कुछ नहीं है, वो बाहर चले जा रहे हैं। बैंक से जो पता चला किस बैंक में हमारे सारे पैसे जमा करवा लिए गए नोटबंदी के नाम पर, प्रदेश में वहां एक ढोंगी आदित्यनाथ 1 रुपये का 2 रुपये का कर्ज माफ हो गया, कभी कभी उससे भी कम। पता नहीं कैसे ये मजाक किसानों के साथ। हमारे कर्ज माफ करने का सवाल आता है तो आपके पास पैसा नहीं होता है, आप 2 रुपये का कर्ज माफ करके मजाक करते हो और पूंजीपति इस देश